हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। स्टूडेंट्स, आपको अपना डेली का टारगेट फिक्स करना है, क्योंकि आपकी मंजिल बहुत बड़ी है। आपकी छोटी मंजिल नहीं है, आपको बहुत आगे तक बढ़ना है। आपको हमेशा चीफ गेस्ट बनना है, आपको नई बुलंदियों को पहुंचना है। तो इसलिए आपको अपने डेली के छोटे छोटे टारगेट फिक्स करना है, उनको डेली अचीव करना है। जब तक आप अपने डेली के टारगेट को अचीव ना कर लो, तब तक आपको चैन नहीं आना चाहिए। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो एक दिन ज़रूर आपके अंदर परफेक्शन आएगा। एक दिन आप सबके लिए एग्जाम्पल होंगे, एक दिन आप सबके लिए एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में गिने जाएंगे। अब वो सफलता आपकी किसी भी फील्ड की हो सकती है, ठीक ना, ये मैटर नहीं करता। लेकिन किसी भी क्षेत्र की सफलता हमेशा समर्पण से आती है, डेडिकेशन से आती है, पंक्चुअलिटी से आती है, ऑनेस्टी से आती है, वो हार्ड वर्किंग से आती है, स्मार्ट वर्किंग से आती है। आखिर क्यों आप देरी करते हो? क्यों नहीं अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हो? क्यों नहीं अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हो? ज़रूर बढ़ना है, ज़रूर बढ़ना है। एक दिन आपको दूसरे के चेहरे पर खुशी लानी है, दूसरे के लिए काम करना है। चलो हम उसके लिए आज इसे प्रॉमिस करते हैं। स्टूडेंट, इसके प्रीवियस क्लास में हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन की बात कर रहे थे। हमने देखा कि कई फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन और उनकी एसआई यूनिट हमने कैलकुलेट किया। हमने बताया आपके नीट एग्जाम में, आपके डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे डिफेंस का हो, चाहे आईआईटी मेंस का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे केबीपीवाई का हो, चाहे जो भी कॉम्पिटिशन होते हैं, वहाँ भी ये डायमेंशन यूजफुल होती हैं। कोई भी और यहाँ आपके एकेडमिक के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही हैं। तो चलिए उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आपकी सफलता में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि हमें आपको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। और आप चैनल पर जाकर के क्या सब्सक्राइब नहीं करेंगे? क्या आप मेरी गुरुदक्षिणा नहीं देंगे? देंगे, जरूर देंगे, मुझे जरूर विश्वास है आपसे। चलो देखते हैं नेक्स्ट हमारी क्वांटिटी क्या है। नेक्स्ट है पावर। क्या है पावर? पावर कहते हैं बड़ा पावरफुल है, ये कितने पावर की है, ठीक ना। तो पावर जो होती है, पावर ये हमें बताती है कि कोई भी डिवाइस या कोई भी चीज़ किस रेट से एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, या किस रेट से एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। जैसे हम कहते हैं ये बल्ब 100 वाट का है, इसका मतलब ये हो गया कि एक सेकंड के अंदर ये 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी अदर एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। हम कहते हैं इस आदमी की पावर 100 वाट है, इसका मतलब हो गया कि ये पर्सन एक सेकेंड में 100 जूल वर्क डन कर देगा। हम कहते हैं इस मोटर की पावर 1000 वाट है, इसका मतलब हो गया कि एक सेकंड के अंदर इसकी ये 1000 वर्क करने की जूल वर्क करने की कैपेसिटी रखता है। तो पावर का मतलब ये होता है कि कोई भी डिवाइस या कोई भी फोर्स या कोई भी पर्सन किस रेट से वर्क कर रहा है, कितना टाइम वो ले रहा है वर्क करने में, या एनर्जी एक एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन किस रेट से हो रहा है। चलो देखें, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क का मतलब एनर्जी, टाइम का मतलब टाइम। अब हम पावर की एसआई यूनिट की अगर हम बात करते हैं, तो हमें यहाँ एनर्जी की यूनिट देखना होगा जो कि जूल होती है, या वर्क की यूनिट देखना होगा जो जूल होती है, और टाइम की यूनिट को देखना होगा जो सेकंड होती है। तो ये जूल पर सेकंड हो जाएगी, या इसे हम जेम्स वाट के नाम पर वाट कहते हैं। जब आप वाट लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। तो पावर की एसआई यूनिट जूल पर सेकंड या वाट होती है, जूल पर सेकंड या वाट होती है। इसको हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3 भी राइट कर सकते हैं। इसको हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3 भी राइट कर सकते हैं। अब हम डायमेंशन की बात करते हैं, तो जो पावर की डायमेंशन होगी वो वर्क की डायमेंशन अपॉन टाइम की डायमेंशन के इक्वल होगी। वर्क की डायमेंशन होती है यम एल स्क्वायर
टी माइनस टू अपॉन टी, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ये एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। आप यहाँ से भी यूनिट बोल सकते हैं, यम हो गया किलोग्राम, एल स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर, टी माइनस थ्री हो गया सेकंड माइनस थ्री, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री। ये पावर की एसआई यूनिट यहाँ से भी आप राइट कर सकते हैं। पावर की अदर यूनिट जो है किलोवाट होती हैं, हार्स पावर होती हैं, मेगावाट होती हैं, जीगावाट होती हैं, ठीक ना, टेरावाट होती हैं, ये सब पावर की अदर यूनिट्स होती हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब चलो हम बात करते हैं, अगली फिजिकल क्वांटिटी है सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या है, इसको हमें समझना होगा। आप मम्मी से हम कहते हो मम्मी हमें गरम गरम खाना दे दो, हम खा के चले जाएं। गरम गरम खाना अच्छा लगता है क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम होता है। आप गर्म सूप पीते हो, अच्छे लगते हैं क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम होता है। आप एक कपूर ले लो और उसको जला के पानी में छोड़ दो, वो तैरता रहेगा, ना बुझेगा ना डूबेगा। ऐसा क्यों होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। कहीं गंदा पानी हो, डर्टी वाटर हो, तो उसमें मच्छर तैरते रहते हैं, मॉस्किटो तैरते रहते हैं, ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। एक ब्लॉटिंग पेपर लेकर के उस पर निडिल रख करके वाटर में उसको डाल दो, वो तैरती रहेगी, ऐसा सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो मींस ये सरफेस गर्म पानी से कपड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम होता है। वर्षा की बूंदें गोल होती हैं क्योंकि ऐसा सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो ये सरफेस टेंशन होता क्या है, सरफेस टेंशन जो है एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। सरफेस टेंशन जो है एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, कम से कम करना चाहता है। तो सरफेस टेंशन को हम, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ डिफाइन क्या क्या करते हैं, हम कहते हैं किसी लिक्विड के सरफेस पर ड्रा की गई एक इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर एक्ट करने वाले फोर्स को सरफेस टेंशन कहते हैं। तो सरफेस टेंशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन, लेंथ की क्या हो जाएगी मीटर। तो सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर मीटर, सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर मीटर, क्या हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे सरफेस टेंशन इक्वल टू होता है अब फोर्स अपॉन लेंथ, तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन हो जाएगी फोर्स की डायमेंशन अपॉन लेंथ की डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, लेंथ की होती है एल, तो हो जाएगा एम टी माइनस टू, क्या हो जाएगा एम टी माइनस टू, क्या हो जाएगा एम टी माइनस टू। तो सरफेस टेंशन की यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर और उसकी डायमेंशन होती है एम टी माइनस टू। ओके, सरफेस टेंशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करोगे सरफेस टेंशन कम हो जाता है। अगला है फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको स्मॉल के से डिनोट करते हैं। फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको स्मॉल के से डिनोट करते हैं। ये कोई एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ एल नॉट है, ये कोई एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ एल नॉट है। इसको आपने किसी दीवार से बांध दिया है, किसी वाल से टाइट कर दिया है, यह फोर्स आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं। यह फोर्स इस पर अप्लाई करेंगे, जब इसको आप खींचेंगे तो स्प्रिंग भी एक फोर्स एग्जर्ट करेगी, स्प्रिंग इस फोर्स का अपोज करेगी और आपका फोर्स स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। स्प्रिंग फोर्स होगा एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ पर यक्स जो है जितनी स्प्रिंग लंबाई में बढ़ती है वो है आपका, के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट है या स्प्रिंग फोर्स है या आपके द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स है। यहाँ से के इक्वल टू क्या आ जाएगा यफ अपान यक्स, क्या आ जाएगा यफ अपान यक्स। के को क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर हम यक्स को वन ले लें तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा यफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा यफ हो जाएगा। किसी स्प्रिंग की यूनिट लेंथ के एक्सटेंशन में जितना फोर्स अप्लाई करना पड़ता है वही फोर्स कांस्टेंट होता है। इसको के से डिनोट करते हैं, के इक्वल टू यफ अपॉन यक्स होता है। यहाँ यफ फोर्स है, यक्स स्प्रिंग में जितना एक्सटेंशन हुआ है या जितना कंप्रेशन हुआ है वो डिस्टेंस है। तो यहाँ से के की
यूनिट हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर या न्यूटन मीटर माइनस वन हो जाएगी। के की डायमेंशन बात करेंगे, ये हो जाएगी फोर्स की डायमेंशन, एम एल टी माइनस टू अपॉन लेंथ की डायमेंशन, एम टी माइनस टू आ जाएगी। तो फोर्स कांस्टेंट की डायमेंशन एम टी माइनस टू हो जाएगी। अब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि फोर्स कांस्टेंट की वही डायमेंशन है जो सरफेस टेंशन की है, फोर्स कांस्टेंट की वही डायमेंशन है जो सरफेस टेंशन की है, फोर्स कांस्टेंट की वही यूनिट है जो सरफेस टेंशन की है। तो एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम हो सकती है, यूनिट भी सेम हो सकती है, यहाँ भी न्यूटन पर मीटर है, यहाँ भी न्यूटन पर मीटर है, ये भी एम टी माइनस टू है, ये भी एम टी माइनस टू है। तो आपको ये बात मेमोराइज रखना है कि फोर्स कांस्टेंट और सरफेस टेंशन दोनों की डायमेंशन सेम होती है, दोनों की यूनिट भी सेम होती है, ठीक ना। एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, एक स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। तो ये एक स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, अगर स्प्रिंग सॉफ्ट होगी तो फोर्स कांस्टेंट कम होगा, अगर स्प्रिंग हार्ड होगी तो फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा। अब देखिए नोट में, फोर्स कांस्टेंट एंड सरफेस टेंशन हैव द सेम डायमेंशन एम टी माइनस टू एंड यूनिट न्यूटन पर मीटर, मीन्स जो फोर्स कांस्टेंट है और सरफेस टेंशन दोनों की सेम डायमेंशन होती है, क्या होती है स्टूडेंट्स, एम टी माइनस टू, क्या होती है एम टी माइनस टू, और दोनों की ये यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, दोनों की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर। तो आप भूलेंगे नहीं ना, याद रखेंगे ना, क्या याद रखेंगे कि सरफेस टेंशन फोर्स कांस्टेंट की डायमेंशन सेम होती है। अब हम बात करते हैं सरफेस एनर्जी। अब ये सरफेस एनर्जी क्या होती है, हम अगर हम कोई एक सोप बबल ले लें, अगर हम कोई सोप बबल ले लें और उसको हम फूंक मारें, ब्लो करें, तो उसका साइज बढ़ता जाएगा। अब कितना एरिया, कितने एरिया को इंक्रीज करने में हमने कितना वर्क डन किया है, वही वर्क डन पर यूनिट एरिया सरफेस एनर्जी कहलाती है। तो वर्क सरफेस एनर्जी होती है वर्क अपॉन एरिया, सरफेस एनर्जी क्या होती है वर्क अपॉन एरिया। अब सरफेस एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, हो जाएगी वर्क की डायमेंशन जूल होती है, और सरफेस एनर्जी की यूनिट देख लें, वर्क की यूनिट जूल होती है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, तो जूल पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, या जूल मीटर माइनस टू हो जाएगी। तो सरफेस एनर्जी की जो यूनिट हो जाएगी जूल मीटर माइनस टू हो जाएगी, क्या, जूल मीटर माइनस टू हो जाएगी। अब सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी की डायमेंशन देखिए, जो एनर्जी की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एरिया की एल स्क्वायर, ये एम टी माइनस टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम टी माइनस टू हो जाएगा। ये वही डायमेंशन आई जो सरफेस टेंशन की आई थी। इसका मतलब ये हो गया कि सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, फोर्स कांस्टेंट, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, फोर्स कांस्टेंट, इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है, एम टी माइनस टू होती है, और इन इनकी जो है इनकी डायमेंशन सेम होती है। अब अगला है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, क्या मोमेंट ऑफ इनर्सिया किससे डिनोट करते हैं, आई से, किससे डिनोट करते हैं आई से, मोमेंट ऑफ इनर्सिया किससे डिनोट करते हैं आई से। अब आप सोच रहे होंगे ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है, जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में मास प्ले करता है वही रोल रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्सिया प्ले करता है, जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में मास प्ले करता है वही रोल रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्सिया करता है। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया ये कोई एक, ये देखिए ए बी कोई एक रोटेशन एक्सिस है, ए बी कोई एक रोटेशन एक्सिस है, इससे प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर एक एक मास एम है, इससे प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर एक मास एम है। जब ये मास इस ए बी एक्सिस के चारों ओर रोटेट करने लगेगा, जब ये मास ए बी एक्सिस के चारों रोटेट करने लगेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है इसका मास और इस रोटेशन एक्सिस से प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका मास और इनटू प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो देखिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी यम, ये मास है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी किलोग्राम, ये आर स्क्वायर डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ये एसआई यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन की बात करें तो ये मास है तो इसकी डायमेंशन कैपिटल एम हो जाएगी, ये डिस्टेंस है इसकी डायमेंशन एल स्क्वायर हो जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल स्क्वायर हो जाएगी, क्या हो जाएगी एम एल स्क्वायर हो जाएगी, क्या हो जाएगी एम एल स्क्वायर हो जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्सिया ना स्केलर होता है ना वेक्टर होता है, ये एक नई क्वांटिटी है जिसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, अभी आगे हम आपको बताएंगे। ये एक टेंसर क्वांटिटी है, ये ना स्केलर है ना ये वेक्टर है,
ओके, मोमेंट ऑफ इनर्सिया का रोटेशनल मोशन में वही रोल होता है जो मास का ट्रांसलेशनल मोशन में होता है। मास को हम ट्रांसलेशनल इनर्सिया कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्सिया को रोटेशनल इनर्सिया कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया का दूसरा नाम रोटेशनल इनर्सिया भी है। क्या है बच्चों? रोटेशनल इनर्सिया भी है। अगला है रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन, जायरेशन मीन्स क्या होता है? घूमना, रोटेशन करना, क्या करना? रोटेट करना। तो जायरेशन मतलब होता है घूमना या रोटेट करना। रेडियस ऑफ जायरेशन को किससे डिनोट करते हैं? के से। किससे डिनोट करते हैं? के से। ये एक लेंथ होती है, क्या होती है? ये एक लेंथ होती है, क्या होती है? लेंथ होती है। अब देखें, ये ए बी अगर कोई एक रोटेशन एक्सिस हो, ए बी कोई एक रोटेशन एक्सिस हो, इससे के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर यम मास हो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई इक्वल टू यम के स्क्वायर होता है। क्या होता है? यम के स्क्वायर होता है। के यहाँ एक इफेक्टिव डिस्टेंस होती है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन एक इफेक्टिव डिस्टेंस होती है। रेडियस ऑफ जायरेशन एक इफेक्टिव लेंथ होती है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? यल। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? यल। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यम। तो रेडियस ऑफ जायरेशन और कुछ ना होकर के एक सिंपली इफेक्टिव लेंथ होती है। क्या होती है? इफेक्टिव लेंथ होती है।